सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसके चलते आज और कल तमाम छोटे बड़े सरकारी बैंक पूरी तरीके से बंद है। रीवा में भी सारे बैंक 2 दिनों के लिए पूर्णतः बंद हैं। बैंक कर्मचारी सड़कों पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते दिखे। स्ट्राइक कर रहे इन कर्मचारियों का कहना था कि यदि सरकार ने निजीकरण बंद करने की उनकी मांग नहीं मानी तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बैंक कर्मचारी की हड़ताल के कारण बैंक के सारे कामकाज बंद है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि देश के विकास में बैंकों का बड़ा सहयोग रहता है। निजीकरण होने से बैंक अपने लाभार्जन में जुट जाएंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। और 16 मार्च की हड़ताल है, देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के संबंध में, निजीकरण के नीतियों के विरोध में और ग्रामीण बैंक का होल्डिंग कंपनी बनाने के विरोध में हम सभी बैंकर भाई बहन सरकार के नीतियों के खिलाफ रोड पे उतरे हुए हैं और अपना आक्रोश केंद्र सरकार तक पहुँचाने वाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर प्राइवेट के हाथों में डालना चाहती है, जिससे कि हमारे देश की जो अभी संस्था है, जो सरकारी संस्था है, वो प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में चली जाएगी। इसका नतीजा, इसका जो परिणाम होगा, दुष्परिणाम जो होगा वो हमारे देश की जनता पे आने वाला। आज आपने देखा है कि निजीकरण का सबसे जीता जागता उदाहरण आया हरियाणा गवर्नमेंट के बाद। जैसे सरकार ने घोषणा की कि हम सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा ये एक अनाउंसमेंट किया गया कि हरियाणा के अंतर्गत जो भी निजी कंपनियां काम कर रही है, वहां पे काम करने वाले जो एम्प्लाई हैं वो हरियाणा क्षेत्र के होंगे, हरियाणा राज्य के होंगे, बाहर के राज्य के नहीं होंगे। 75% पॉपुलेशन के एम्प्लाई जो होगा उस लोकल स्टेट का। इससे ये संघीय ढांचा जो हमारे देश की जो संघीय ढांचा पे है उस पर आक्रोश जताया गया है, उसके खिलाफ जाता है। क्योंकि अगर आप संघीय ढांचा को जीवित नहीं रख सकते हैं तो लोकतंत्र की हत्या है, ये हमारे संघीय ढांचा की हत्या है। अगर आप किसी दूसरे राज्य के लोगों को, आप जानते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ पे इंडस्ट्री की उतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लोग पलायन करते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ से पलायन करके ऐसे राज्यों में जाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है। लेकिन अगर ऐसी नीतियों का पुरजोर से गवर्नमेंट की तरफ समर्थन किया जाएगा, जबरदस्ती लागू की जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता जा रहा है, जानते हैं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज 45% के आसपास चला गया है, वो और भी बढ़ता जाएगा। लोगों को ये सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, जो पहले से रोजगार में है उसका रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सरकारी संस्था में काम कर रहे लोग हैं, आज आपने देखा जब भी इस देश पे संकट पैदा हुआ है, हमारे बैंकर भाई बहन अपनी जान को जोखिम में डाल के देश की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। अभी जीता जागता उदाहरण हमारा कोरोना है। कोरोना काल में जब सारे निजी बैंक, निजी संस्थाएँ अपने घर में आराम कर रही थी, हमारे बैंकर भाई अपने जान को, जिंदगी को दांव पे लगा के देश की सेवा में लगे हुए थे। ना जाने कितने भाई बहन हमारे साथ चले गए छोड़कर। जी सभी बैंक, ये भारतवर्ष की जितनी बैंक हैं वो सभी बैंक 15 और 16 मार्च 2 दिन का है, और ये आगे भी चलेगा। ये हमारा सांकेतिक हड़ताल है। अगर केंद्र सरकार हमारी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, हमारी बात नहीं होती है, हम जितने बैंक 10 लाख एसलाइज बैंक के, 1 लाख ग्रामीण बैंक के इम्प्लाई, टोटल 11 लाख के इम्प्लाई साथ में, जितने भी प्राइवेट जितने भी हमारे ये सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो रेलवे की ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो BSNL की ट्रेड यूनियन हो, चाहे दूसरे एयर इंडिया की ट्रेड यूनियन, ये सारे ट्रेड यूनियन के लोग हमारे साथ खड़े हैं, और आज देश के 85 ट्रेड यूनियन इस हड़ताल में शामिल थे। आपका नाम और पद? मेरा नाम प्रवीण चंद्रा है, मैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और बैंक की तरफ से विज्ञापन ये हमारा 2 दिवसीय मेन उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा अभी बजट मुख्यमंत्री द्वारा एक कहा गया कि पब्लिक सेक्टर के बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा इसके विरोध में ये सरकार जो है द्वारा सभी सरकारी बैंकों के लिए
अमृत और ये परम बात निकलने के आगे क्या है, निश्चित रूप से इसका विरोध और जोर से किया जाएगा और आगे क्रमबद्ध तरीके से जो भी यूएनडीओ द्वारा आह्वान किया जाएगा इस प्रकार से उसी क्रम में हम इसको हड़ताल को आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये जो उद्देश्य समझना ये है हमें कि ये जनता विरोधी है, क्योंकि आज के 52 वर्ष पहले पंजाब राष्ट्रीयकरण किया गया था सभी सरकारी बैंकों का प्राइवेट बैंकों का, यही उद्देश्य था कि जनता को रिमांड सौंप रहे हैं, जनता के हितों के लिए सामाजिक हितों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, समय पुल खड़े हैं और तमाम चीज़ें, ये सब सरकारी बैंकों के कंसोर्टियम एडवांस किए गए हैं उससे हुआ है, ये प्राइवेट बैंकों का इसमें महत्तम रोल है, न्यूनतम के बराबर होगी। इस समय चलने वाली जो छोटी योजनाएं हैं 10,000 रुपये के भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या सीएम स्टेट फंड मध्य प्रदेश में चलता है, इस तरह की जो भी योजनाएं हैं वो सब सबसे ज़्यादा अगर आप डेटा भी आप उठा के लेते हैं पिछले 1 वर्ष में तो सबसे ज़्यादा वो सरकारी बैंकों ने उसका किया है, लेकिन अगर प्राइवेट हाथों में जाता है आप उनका डेटा देख सकते हैं, वो गरीब जनता जो आम जनता है अपने मिनिमम बैलेंस 0 बैलेंस के अकाउंट 500 रुपये के अकाउंट यहाँ और अन्य बैंकों में अलग अलग तरीके के चार्ज होते हैं, यहाँ सरकारी बैंकों में वेव हो इस तरह के कई नुकसान उनको झेलने पड़े, इसलिए इसी के विरोध में हमारा प्रदर्शन है और ये हड़ताल भी करने की जाए ना क्षेत्रीय सचिव यूनियन बैंक के सदस्य। ये 2 दिवसीय हड़ताल है 15 मार्च और 16 मार्च की, जो भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के आह्वान पर वो 2 दिवसीय हड़ताल की गई है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा अभी बजट में वित्त मंत्री द्वारा ये कहा गया कि वो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका निजीकरण करने का उनका ऐसा उनकी तरफ से मंशा जाहिर की गई है, जिसके विरोध में ये हड़ताल UFBU द्वारा यूनाइटेड फोरम बैंकर्स यूनियन द्वारा आह्वान किया गया है, जिसमें सभी 9 घटक दल सभी सरकारी बैंकों की यूनियन सम्मिलित हैं और यही हमारा मेन मुद्दा है आज हड़ताल। अगर इन 2 दिनों में बात नहीं बनती तो आगे क्या? निश्चित रूप से इसका विरोध और जोर शोर से किया जाएगा और आगे क्रमबद्ध तरीके से जो भी UFBU द्वारा आह्वान किया जाएगा जिस प्रकार से भी उसी क्रम में हम इसको हड़ताल को आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये जो उद्देश्य इसका समझना ये है हमें कि ये जनता विरोधी है, क्योंकि आज के 52 वर्ष पहले जब राष्ट्रीयकरण किया गया था सभी सरकारी बैंकों का प्राइवेट हाथों से हटा के, तो यही उद्देश्य था कि जनता को हम बैंक सौंप रहे हैं, जनता के हितों के लिए सामाजिक हितों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे इस समय, ये पुल खड़े हैं ये और तमाम चीज़ें हैं, ये सब सरकारी बैंकों के कंसोर्टियम एडवांस जो किए गए हैं उससे हुआ है, ये प्राइवेट बैंकों का इसमें बहुत कम रोल है, न्यूनतम के बराबर रोल है। इस समय चलने वाली जो छोटी योजनाएं हैं 10,000 रुपये की, अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या सीएम स्ट्रीट वेंडर मध्य प्रदेश में चलता है, इस तरह की जो भी योजनाएं हैं वो सब सबसे ज़्यादा अगर आप डेटा भी आप उठा के देखें पिछले 1 वर्ष में तो सबसे ज़्यादा वो सरकारी बैंकों ने उसका किया है क्रियान्वयन, लेकिन अगर प्राइवेट हाथों में जाता है आप उनका डेटा देख सकते हैं तो वो गरीब जनता जो आम जनता है अपने मिनिमम बैलेंस 0 बैलेंस के अकाउंट्स हैं, 500 रुपये के अकाउंट है यहाँ और अन्य बैंकों में अलग अलग तरीके के चार्जेस होते हैं, यहाँ सरकारी बैंकों में वेव्ड होते हैं, इस तरह के कई नुकसान उनको झेलने पड़ेंगे, इसलिए इसी के विरोध में ये हमारा प्रदर्शन है और ये हड़ताल भी इसी क्रम में की जा रही है। ऋषभ श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सचिव, यूनियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन।